कल भी दामों में गिरावट देखी गई 300-400 रुपए की, और आज भी कमोबेश वही हालत है, आज भी 300-400 रुपए के दामों में गिरावट देखी जा रही है। वहीं कुछ अच्छे ढेर भी हैं जो काफ़ी अच्छे गए हैं, तो आज जो औसत दाम है, कुछ बेस्ट की बात करें तो बेस्ट तकरीबन अभी तक 25 रुपए से अधिक का गया है ऊटी में, और देसी की बात करें तो देसी में भी अभी आज 16-17 बेस्ट गया है। हालांकि जो दाम है कमोबेश पिछले दिनों की तुलना में लगातार गिरते जा रहे हैं, और जो दाम गिर रहे हैं उन दामों की जो गिरावट को लेकर किसान भाई क्या सोचते हैं, अभी कुछ किसान भाई मेरे साथ हैं, उन्होंने अपनी उपज बेची है, क्या भाव बेची, कहां से आए, उन्हीं से जानते हैं। कहां से आए? गांव रायता से आए हैं। कहां पर आता है? बेगू तहसील में आता है। अच्छा, क्या भाव गई है? ये 21,400 बिका है ऊटी। ऊटी गया, और दूसरा एक और दूल आया आप? हाँ, दूल आया, वो बिका है 14,000। क्वालिटी दिखाएंगे कौन सी है, सैंपल में दिखा दीजिए। ये क्वालिटी, ये वाला गया आपका 21,400। तो ये सॉरी ऊटी है जो 21,400 गया है। एक और कोई सा सैंपल बिका था? वो भी दिखाना। ये भी ऊटी है? हाँ, ये ऊटी है, ये बिका है 14,800। तो कुल मिला के जो दाम मिले हैं अभी, क्या सोचते हैं आप उसको लेकर? दाम तो कम मिले हैं, अभी कम मिले हैं, कम अभी मिले। पिछले दिनों में जो मिल रहे थे उसको लेकर आपने बीच में बेचा था पहले कुछ? बेचा था। क्या भाव गया था वो? वो तो 26-27-28। अभी बीच में आवक कम थी तो दाम ठीक चल रहे थे, फिर आवक बढ़ गई है। पिछले जो सप्ताह था मैं 3 ट्रालियां लाया था, उसमें अच्छी से आए हैं। मैं तो लोकल ही हूँ, सूबी राजस्थान पास ही। क्या रहा पिछले दिनों में रबी? पिछले में भाव अच्छा मिला किसान को, 500,000 की तेजी मिली। इस हफ्ते में 500,000 तेजी कमी लग रही है। ये लगातार कल भी गिरावट देखी गई, आज भी गिरावट आई है। बिल्कुल, आज तो आवक का प्रेशर है बहुत सारा। कल भी आवक अच्छी हुई थी, आज उससे बेटर आवक है। आज तकरीबन 15,000 से प्लस है आज आवक, 15-17 के बीच करीब आवक है। अगर आवक ऐसी बने तो भाव नहीं, तो अब जो माल है काफी तो हद तक तो निकल चुका है, फिर ऐसे में आवक कैसे आ रही है? स्टॉकिट है ना, तो स्टॉक वाले निकाल रहे हैं। अच्छा, क्या उम्मीद लग रही है, भाव आगे बढ़ेंगे घटेंगे? खास तौर से यही चलेंगे अगर मंडी का प्रेशर ऐसा ही बना तो। ऊटी क्योंकि अब ऊटी रुक नहीं पाएगी ज्यादा टाइम, ऊटी ज्यादा बची भी नहीं है ना, 10% बची होगी ऊटी। नहीं है, देसी है। अब देसी कहाँ तक जाएगी दादा, कहाँ से आप? देसी मोतो साहब निम्बाड़ा के 15 किलोमीटर आगे रहा, आवरा माता के पास में। आवरा माता के पास है। क्या 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 लग रहा है आपको? क्या देसी रिसन लाए? मतलब देसी क्या भाव गई आपकी? 8,000 की। कैसे छर्री थी क्या? वो बड़ा माल बताओ ना दादा, यार माल तो देखना पड़ेगा। दादा का माल 8,000 गया, देख लेते कैसा माल है। 7,700 बिका है। 7,700। क्या लग उम्मीद थी आपको, कितना जाएगा? मैंने 12,000 की उम्मीद थी, मैंने 8 ही बिका होती। दाम गिर रहे हैं। हाँ, दाम देसी गिरा का तो बता रहे हैं, आने वाले टाइम में देसी ठीक रहेगी। हाँ, देसी ठीक रहेगा। तो फिर आप अभी और माल पड़ा है क्या? इधर आ जाइए आप आगे। नहीं, माल और है ना घर पे? घर पे है और है। तो अभी निकालोगे रोकोगे? अभी रोकेंगे उसको। रोकेंगे? हाँ। कितना माल पड़ा होगा अभी? देसी बिगड़ेगा नहीं? नहीं, देसी तो बिगड़ेगा नहीं, पर कितना पड़ा होगा अनुमानित? 7-8 बोरी और है। तो कुल मिलाकर रोकोगे आप? हाँ, रोकेंगे। तो जैसा कि किसान भाई बता रहे हैं, क्योंकि अब ऊटी की वो रही नहीं है, उतना ऊटी रहा नहीं है, और खास तौर से जो देसी है उसके रुकने की संभावना पूरी है, तो ऐसे में जो दाम हैं निश्चित तौर से अब देसी के ही दिखाई देंगे, क्योंकि ऊटी मार्केट से धीरे धीरे जा चुकी है, कुछ बचा हुआ है वो आज बेच रहे हैं, और जो दाम है लगातार, हालाँकि नीमच कृषि उपज मंडी में मिलते जा रहे हैं, उसको चलते ही आवक भरपूर देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो दाम इन दिनों हैं उनसे किसान काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। देखना होगा कि जो आगामी दिनों में जो देसी लहसुन है उसके दाम कहां तक जाते हैं, क्योंकि कल जो एक सैंपल गया था अच्छा क्वालिटी का था वो 24,600 गया था देसी में, अब आज अभी तक चल रही है नीलामी, देख फिर पता चलेगा कि कहाँ तक ये दाम जाते हैं। फिलहाल जो दाम है वो कुल मिला के स्थिर बने हुए हैं, और कुछ गिरावट भी देखी जा रही है। विजित महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।